बड़े स्कूल के छोटे से बच्चे को। जब मैंने रबर फेंकते हुए देखा तो फौरन बोली, बेटा इसको उठाएं। तो उस बच्चे ने छट जवाब दिया, मैं कोई स्वीपर थोड़ी हूँ, थोड़ी देर में स्वीपर अंकल उठा लेंगे ना। ये इस बच्चे का जवाब नहीं था, ये इस स्कूल का जवाब था जहां से वो तालीम हासिल कर रहा था। मैंने कई लोगों को बगैर हेलमेट और बगैर सीट बेल्ट बांधे पाकिस्तान के ट्रैफिक के निजाम को गालियां देते देखा है। मैंने कई लोगों को फुटपाथ पर पान की पीक मारते, अपनी गली के सामने वाली गली में कचरा डालते, सिगरेट पीकर जमीन पर डालते और फिर दुबई और लंदन की सफाई का जिक्र करते देखा है। अपने मकान की तामीर का दौरान अच्छे खासे दरख्त को काटते हैं और फिर सिंगापुर की हरियाली का जिक्र करते सुना है। मैंने कई माओं को चीखते हुए देखा है जो अपने बच्चों को चीख कर कहती हैं कि चीखा मत करो, मैं कोई बहरी नहीं हूं। और कई बापों को तो मारते हुए देखा है कि जो बच्चों को कहते हैं आइंदा भाई को हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगा। वाह भाई। अपने घर की गैलरी को बढ़ाते और गली घेरते देखा है और उनकी जबान से अमेरिका और यूरोप की चौड़ी चौड़ी गलियों और सड़कों का जिक्र सुना है। मैंने मस्जिद के बाहर बीच रोड पर लोगों को गाड़ी पार्क करते देखा है जिनको नमाज को देर हो रही होती है और फिर उन्हीं लोगों से कई घंटों हुकुकुल इबाद पर लेक्चर सुना है। न जाने कितने लोगों को शादी में वक्त की पाबंदी और सादगी पर जलते कुड़ते देखा है और फिर उन्हीं के घर की शादियों में वक्त को बर्बाद होते और फिर सादगी की धज्जियां उड़ते देखी है और पता नहीं कितने लोगों को। अरे खैर छोड़ दे, गुजारिश बस इतनी थी कि हर काम इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, फौज और पुलिस को नहीं करने होते, कुछ काम जनाब हमारे करने के भी होते हैं।